स्वीगाटो। ये नाम सुन के तो ऐसा लगता है जैसे शायद जोमैटो और स्विगी का मिलन हो गया हो, खैर ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज़ अ फिल्म विच इज़ डायरेक्टेड बाय नंदिता दास। इससे पहले स्वीगाटो पे बात हो, प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। फिल्म स्वीगाटो दिस इज डायरेक्टेड एंड प्रोड्यूस्ड बाय नंदिता दास। उनकी प्रोडक्शन हाउस का नाम है नंदिता दास इनिशिएटिव्स, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है अपलॉस एंटरटेनमेंट एंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वाईकॉम 18 मोशन पिक्चर्स। और इसमें मुख्य भूमिका निभा रहे हैं कपिल शर्मा कॉमेडियन, उनका साथ दे रही हैं शाहना गोस्वामी। जैसा नाम है ऑब्वियसली इसकी कहानी तो खैर सेल्फ एक्सप्लेनेटोरी है, जहाँ पे बेसिकली द फिल्म स्पीक्स अबाउट द वर्क प्रेशर्स ऑफ डिलीवरी गाय इन द कंट्री। मानस महतो ये रांची के एक गरीब आदमी है जो कि अपना गांव छोड़ के वो ओडिशा के भुवनेश्वर सिटी में आते हैं और वहाँ पे ये एक स्वीगाटो नाम का एक डिलीवरी ऐप है, वहाँ पे ये एज अ डिलीवरी गाय काम करते हैं। तो जाहिर है ऑब्वियसली फिल्म इट स्पीक्स अबाउट द वर्क प्रेशर्स द टेंशन ऑफ डिलीवरी गाय ऐप्स। और कहना पड़ेगा कि ये फिल्म बेसिकली एक हमारा समाज ऐसा है जहाँ पे एज इट इज़ देर आर मल्टीपल रिलीजन्स, और फिर उसमें अगर आप कास्ट फैक्टर जोड़ दें तो एक डिग्निटी ऑफ लेबर लाना हमारे जैसे समाज में बड़ा कठिन होता है। और आई थिंक दुर्भाग्य से ये नौकरी ऐसी है कि कहीं ना कहीं शायद यहाँ पे डिग्निटी ऑफ लेबर लाना और भी मुश्किल हो जाता है। ना सिर्फ डिग्निटी ऑफ लेबर बल्कि मैं कहूँगा ये फिल्म अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में भी अपने तरीके से बात करती है। तो कहानी तो कई कॉन्सेप्ट लेवल पर बहुत अच्छी है, लेकिन दुर्भाग्य से इसका जो स्क्रीन प्ले है वो हमें काफ़ी बिखरावा लगा है। और कहना पड़ेगा कि ऑल्दो दिस इज प्रोड्यूस्ड बाय नंदिता दास इनिशिएटिव्स, लेकिन जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये कोई नंदिता दास इनिशिएटिव नहीं बल्कि कोई ओडिशा इनिशिएटिव है। फिल्म के अगर आप एंड क्रेडिट्स में जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा का बहुत योगदान रहा है। तो जाहिर है ये फिल्म एक ओडिशा इनिशिएटिव है, सब्सिडी लेके शायद ये फिल्म बनाई गई है। अब नंदिता दास जी ने कहा था कि ये आइडिया उन्हें कोविड के दौरान आया था, जब एक डिलीवरी गाय उनके घर आया था और तब उनके दिमाग में ये आइडिया आया था। बट जाहिर है आई थिंक नंदिता दास एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म मेकर है, उन्होंने फिराक और मंटो जैसी, बल्कि मंटो तो मेरे ख्याल से एक मास्टरपीस है। दुर्भाग्य से ऑब्वियसली उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पे चलती नहीं है और शायद इसलिए मंटो के बुरी तरह से फेल होने के बाद शायद नंदिता दास जी के लिए अपनी कहानियों के लिए प्रोड्यूसर लाना आसान नहीं होगा। तो खैर आई थिंक अब ये नहीं पता कि ओडिशा वाले उनके पास पहले आए या नंदिता जी अपनी कहानी ओडिशा गवर्नमेंट के पास लेके गई। अब जब फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्यों ये हम ओडिशा इनिशिएटिव का शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि फिल्म में एक कहूंगा एक नया ओडिशा दिखाया गया है। नई शहर के अंदर क्या डेवलपमेंट हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़े बड़े मॉल्स दिखाए हैं, एक बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखाई है। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि एक आध टेम्पल भी दिखाए हैं। हाँ, बट ये है कि आप कितने भी बड़े बड़े शहर, कितने भी बड़े बड़े बिल्डिंग मॉल बना ले, लेकिन जो एक सोशल क्लास डिवाइड है तो वो दुर्भाग्य से हमारे समाज में उसको मिटाना बड़ा ही कठिन है, और वही चीज आपको इस फिल्म में भी देखने को मिलेगी। बट अनफॉर्चुनेटली ओवरऑल मैं कहूंगा द राइटिंग नंदिता दास और उनके राइटर समीर पाटिल, ये फिल्म उसका जो स्क्रीन प्ले है काफी काफी कहूंगा मैं डिसएंगेजिंग है। ऑल्दो ऑब्वियसली मानस, कपिल शर्मा, शाना गोस्वामी, इन्होंने काम बड़ा अच्छा किया है, बट इसकी कहानी या जिस अंदाज से ये स्क्रीन प्ले चलता है बहुत कम मोमेंट्स है जहां पे ये फिल्म आपको थोड़ा सा बांध के रखती है। तो खैर ये तो खैर ओडिशा गवर्नमेंट का तो अपना एक इनिशिएटिव था, और नंदिता दास के लिए शायद उन्हें लिए बस इन कहानी के लिए एक सब्सिडी मिल गई, प्रोड्यूसर्स मिल गए। और लेकिन कपिल शर्मा के लिए क्या था इसमें, कपिल शर्मा एक टीवी के बड़े सुपरस्टार हैं, कॉमेडी किंग है, लेकिन अगर आप उनका फिल्म करियर देखें तो उन्होंने जो दो तीन फिल्में की है वो दुर्भाग्य से चली नहीं है, और ज्यादातर उन्होंने कॉमेडी के रोल्स किए हैं। और शायद ये फिल्म उनके लिए एक मौका था अपने फैंस को दिखाने के लिए कि कि मैं सिर्फ कॉमेडी नहीं बल्कि सीरियस ड्रामा भी कर सकता हूं, और उन्होंने काम अच्छा किया। सही बताओ तो अपने हिसाब से जैसा है, एक पंजाबी आदमी के लिए एक झारखंड का कैरेक्टर प्ले करना जो थोड़ी बहुत बिहारी बोलता स्टाइल में बात करता है, तो उस हिसाब से तो मेरे ख्याल से इन्होंने ठीक ठाक काम किया है। बट आई थिंक जो सबसे बड़ी बात कपिल के लिए मैं कहूंगा इस फिल्म में टेक अवे ये है, एक तो ऑब्वियसली वो अपने फैंस को बता रहे हैं कि वो ऐसा सीरियस ड्रामा भी कर सकते हैं, अपने नॉर्मल स्टाइल से निकल के कुछ और कर सकते हैं। और कई बार उनकी शायद टीवी शो को लेके जो कपिल शर्मा शो है उसमें थोड़ी उनकी आलोचना हुई है कि कभी कभी वो वहां पे आपको सेक्सिज्म और एक क्लासिज्म देखने को मिलता है, खासकर वो जो मालिक और मुलाजिम की जोक्स रहती है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं ऑब्वियसली कपिल शर्मा को मौका मिला है अपने फैंस को ये दिखाने के लिए कि देखिए मैं वहां पे भले ऐसा करता हूं लेकिन मैं वैसा हूं नहीं,
और शायद मुझे लगता है ये जो कैरेक्टर है और इसकी जो स्ट्रगल्स है कहीं ना कहीं ऑब्वियसली कपिल शर्मा के अपने स्ट्रगल से भी वो रिलेट करती है। आई थिंक कॉन्सेप्ट वाइज पे तो फिल्म में कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, कपिल ने बढ़िया काम किया है और शाना गोस्वामी का बड़ा अच्छा काम है, वो बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेस है, बेसिकली प्रतिमा मानस की वाइफ है और ये औरत बेचारी ऐसी है कि ये सही मायने में अपने परिवार की चट्टान है, ये घर भी संभालती है और थोड़ी बहुत नौकरी भी करती है और जब उन्हें दिखता है कि उनके हस्बैंड परेशान है, शायद उनकी नौकरी खतरे में है, तो वो और जॉब्स भी करती है जैसे बॉडी मसाज और ये है। आगे जाके उन्हें एक क्लीनर की नौकरी मिलती है मॉल में और हमें ऐसा लगा कि शायद मानस से ज्यादा ये जो कैरेक्टर है प्रतिमा, ये ज्यादा आपको इनडिग्निटी ऑफ लेबर की बात रखता है। जैसे कैसे एक सीन में मॉल में जब वो जाती है और उन्हें कहा जाता है कि ये जो रेस्ट रूम है टॉयलेट्स है ये स्टाफ के लिए नहीं, उनके लिए नीचे है। सिमिलरली एक बड़ी बिल्डिंग में वो जाती है मसाज अपने क्लाइंट के मसाज करने के लिए और वहां पे भी उनसे कहा जाता है कि स्टाफ के लिए अलग लिफ्ट है। तो ऑब्वियसली ये चीजें छोटी छोटी चीजें हैं, बिना ज्यादा कुछ कहे वो आपको एक सोसाइटी का माइंडसेट जो क्लास डिवाइड है तो वो बताती है। फिल्म में जो दो इनके दो बच्चों का कैरेक्टर जिन्होंने प्ले किया है बहुत ही बढ़िया है। एक्टिंग वाइज हमें ये फिल्म कहीं वीक नहीं लगी, बस प्रॉब्लम यही है कि इस फिल्म का मकसद आई थिंक इस इरादे से बनाई गई है, शायद उसमें मुझे मुश्किल लग रहा है कि शायद बियॉन्ड उड़ीसा देयर बी हार्डली एनी स्टेकर्स फॉर दिस फिल्म। और फिल्म में अगर आप देखेंगे तो जो लोकल्स है वो ज्यादातर उड़िया भाषा में ही बात करते हैं, सबटाइटलिंग जरूर है बट दुर्भाग्य से अगर ये बॉलीवुड अगर आप इसे बॉलीवुड फिल्म कहेंगे तो अनफॉर्चुनेटली बॉलीवुड ऑडियंस जो है ज्यादातर वो हिंदी ही पसंद करती है। ओवरऑल वो कहूंगा पर्सनली अगर कहूँ तो इस फिल्म ने हमें डिसअपॉइंट किया बिकॉज ननिता दास के हम दीवाने हैं, ही इज अ फैंटास्टिक राइटर एक्टर बट ये फिल्म डेफिनेटली इट इज आई वुड से नॉट वन ऑफ अ फाइनेस्ट इनिशिएटिव। खैर बात रेटिंग की तो अगर करें तो बस दुर्भाग्य से हमें इस डिलीवरी गाय वाली फिल्म को सिर्फ 2 स्टार देने पड़ेंगे।